अभी जो बात की जाए तो जो डेथ का रेशो आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है? डेथ का रेशो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, एग्जैक्ट तो हमने वो निकाला नहीं है अभी, पर फिर भी पहले से बढ़ गया है, पहले से काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी तरफ से सर, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन की आपने बात की, ऑक्सीजन है लेकिन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? रेमडेसिविर की सिर्फ अपने यहाँ कोटा में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है कि एक ही कंपनी बना के दे रही थी अभी, और उस कंपनी में प्रोडक्शन पहले बहुत ज़्यादा नहीं था, ये तो कोरोना की वजह से उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, और बीच में अपने यहाँ कोरोना कम हो गया तो उसने बाहर भेजना चालू कर दिया। पर अभी अपने पास में यह हालत होगी कि पहले अपने यहाँ से 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं हो रहा था, 50-60 हज़ार पेशेंट पूरे इंडिया में आ रहे थे, अभी तो 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर आ रहे हैं, इतना प्रोडक्शन उसका नहीं हो सकता। अभी भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए बनाने के लिए, तो पर फिर भी कम से कम उनको 15 दिन लगेंगे इसके स्थिति से निपटने के। रेमडेसिविर 15 दिन बाद जाके अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल होगा, बाकी उसके पहले नहीं होगा। अब वैसे तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को, रोज़ गाड़ी भेजनी पड़ रही है जयपुर, रोज़ वहाँ से इश्यू हो जाते हैं, और अभी काम चल रहा है। पर अब ये कल से हमने रेस्टलाइज चालू कर दिया है, जिस पेशेंट को आवश्यकता है उसी को लगाएंगे। इसके लिए 3 डॉक्टर्स की हमारी कमेटी बन गई है, वो कमेटी भी डिसाइड करती है, क्योंकि वो फिजिशियन लिख के देता है, उसके बाद कमेटी डिसाइड करती है इसको लगना है या नहीं लगना है। जिसको लगना है उसी को लगाते हैं, जिसको नहीं लगना है उसको नहीं लगा पा रहे हैं। छुट्टियाँ भी स्टाफ की कम की गई है, क्योंकि स्टाफ की भी कमी अब नज़र आने लगी है, तो किस तरह सा माहौल है अभी? हालत ये है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, पहले जो रूल चल रहा था उसके अनुसार ये था कि जितना स्टाफ है उतना स्टाफ आप रिजर्व में रखो, ताकि जब वो छुट्टियों में वो जब यहाँ से जाएँ ड्यूटी से बाहर तो उनकी जगह उनको लगा दो। पर आज मैंने खुद ने आदेश निकाल दिए हैं, कोविड की स्थिति को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी है, यहाँ तक कि डे ऑफ भी कैंसिल कर दी है, सबको आना है जब जाके हमारा काम चलेगा। अगर एक व्यक्ति को डे ऑफ देते तो उसकी जगह फिर हम कहाँ से लाएंगे व्यक्ति, तो बड़ी स्थिति में, बड़ी बहुत प्रॉब्लम वाली स्थिति में। दूसरा, हम बाहर से अब वापस 80 व्यक्तियों के लिए कलेक्टर साहब ने परमिशन दे दी है, नर्सिंग स्टाफ के लिए 40 वहाँ के लिए, 40 मेरे यहाँ के लिए, तो वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हम पूर्ति कर लेंगे, और 40 मेरे को जो 4th क्लास और स्वीपर्स की परमिशन मिली है वो भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि वार्ड में वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले तो क्या था, स्टाफ मेरा यहीं का था, एक बिल्डिंग का चल रहा था, अभी क्या दोनों बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो इसलिए स्टाफ तो नेचुरली कम पड़ ही रहा है। पर ये 80 आ जाएगा तो हम मेरे ख्याल से हम काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हो जाएंगे, पर उसके बावजूद भी हमें और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डे केयर सेंटर हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं और उसके लिए हमें अलग से स्टाफ लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कलेक्टर साहब से फिर निवेदन करेंगे ताकि उसको हम ले सकें। ठीक है, साफ तौर पर जो है कोविड अस्पताल की अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुशील, जिन्होंने साफ कहा कि अब जो अस्पताल की भी एक लिमिट है जिसके तहत ही वे मरीजों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जैसी भय वह कभी दूसरे राज्यों में देखी जा रही है वैसी यहाँ भी आ सकती है, लेकिन अभी भी हालात अस्पताल के सामान्य हैं, जो मरीज आ रहे हैं उनका उपचार ठीक से हो रहा है। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।